गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब फिट एंड फाइन हो गए और आगे भी ऐसा ही बढ़िया चलता रहे। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू अपकमिंग अपडेट्स के बारे में, ठीक है। और इस अपडेट में क्या क्या आने वाला है उसके बारे में आपको बताऊँगा और ये बताऊँगा कि आज ये कब तक आएगा, ठीक है। और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फ्री फायर से रिलेटेड है जो इस वीडियो में आज हम करेंगे, ठीक है गाइस। तो सबसे पहली बात तो जो OB17 की जो अपडेट आ रही है, ठीक है, उस अपडेट के बाद जो है आपको लॉबी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको पता है मैजिक क्यूब में जो बंडल आया था जोकर वाला, तो उसका जो है यहाँ पर आपको कुछ प्रीव्यू टाइप देखने को मिलेगा। ये एनिमेटेड रहेगा, जो लॉबी रहेगा इसका UI स्टार्टिंग का वो एनिमेटेड में रहेगा और देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। और एक चीज़ और बता दूँ कि अब फ्री फायर की जो है 2nd एनिवर्सरी आ रही है, ठीक है, तो ये उसके लिए कुछ स्पेशल करने को तैयार है। अब लोग मतलब रेडी हो रहे हैं, ये लोग कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। तो ये तो अभी फुल डिटेल तो आपको तभी पता चलेगी जब ये OB17 की अपडेट आ जाएगी, बट फिर भी जो मेरे पास लीक्स इंफॉर्मेशंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना और गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा अभी आने वाली जो भी 17 की अपडेट है उसमें लॉबी कुछ इस तरह की दिखेगी, ओके। और जो नेक्स्ट इलाइट पास आ रहा है, हाँ, तो नेक्स्ट इलाइट पास जो आ रहा है उसके जो बैजेस है जो सिंबल होगा उसका वो कुछ इस तरह का है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये नेक्स्ट इलाइट पास का सिंबल होगा और इसमें जो कॉस्ट्यूम आने वाले हैं मेरे को लीक से पता चला जो इसके कॉस्ट्यूम है वो भी टाइप ऑफ मतलब जैसे जोकर के कॉस्ट्यूम है वैसा ही होगा कुछ, ठीक है। तो ये जस्ट अभी मेरे पास लीक इन्फॉर्मेशन है, अभी इसे कंफर्म नहीं किया है। जब जैसे ही मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन या प्रीव्यू कोई रिव्यू आएगा शॉर्ट वीडियो आएगी तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे छोटी मोटी अपडेट जो है मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। मैं छोटी अपडेट्स के लिए जो है वीडियो नहीं बनाता, तो आप इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको जो है छोटी अपडेट्स जो है डेली देखने को मिल जाएगी, ओके। तो गाइस उसके बाद यहाँ पे न्यू सीज़न है, तो न्यू सीज़न का जो रैंक है, और रैंक में जब आप सबको पता है कि रैंक हीरोइक तक जाने के लिए हर कोई ट्राई करता है और काफ़ी लोग पहुँच भी जाते हैं। तो गाइस जो हीरोइक की टी शर्ट आ रही है वो कुछ इस तरह की होगी, देख सकते हो यहाँ पे। ये सीज़न 11 के रैंक की टी शर्ट होगी, ये भी कुछ लीक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। और इसमें मेल फीमेल आपको दोनों की जो है यहाँ पे आपको हीरोइक की टी शर्ट देखने को मिल जाएगी। तो ये हीरोइक की टी शर्ट है, बट मैं सच बताऊँ तो मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी ये, कुछ ज़्यादा मतलब डिफरेंट नहीं है, ये एवरेज ही है, नॉर्मल सी है। आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगता है कि हीरोइक की टी शर्ट इस बार की कैसी है। मेरे को तो एवरेज ही लगी यार, कुछ खास नहीं लगी। बस जो विंटर में एक बार वो हीरोइक की जैकेट आई थी पिंक कलर की थी, सो वो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी थी, बट बाकी इस बार ये सब जो आ रहा है नॉट सो कूल, बट फिर भी एवरेज है, इट्स ओके। तो गाइज ये तो हीरोइक की टी शर्ट के बारे में था, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे गेम में जो न्यू वेपन आने वाला है वो ये वाला है। इसका नाम मुझे अभी प्रॉपरली याद नहीं है, और ये वाली मेरे ख्याल से SMG गन होगी, असम मशीन गन हो सकती है ये, ठीक है। तो ये वाला न्यू वेपन आ रहा है, और जो मैं बता दूँ ये न्यू वेपन के साथ जो आपको ये कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, ये न्यू कैरेक्टर आ रहा है, साइबॉग नाम है इसका, फीमेल कैरेक्टर है ये। एक्चुअली दो कैरेक्टर आने वाले हैं फ्री फायर में न्यू, ठीक है। तो वो दो कैरेक्टर जो है, एक तो फीमेल कैरेक्टर है जिसका नाम है साइबॉग, और सेकेंड जो मेल कैरेक्टर आ रहा है उसका नाम है प्लेबॉय। अभी सुनने में तो यही आया है कि जो सेकेंड कैरेक्टर मतलब जो मेल कैरेक्टर है वो प्लेबॉय होगा, बाकी जो ऑफिशियली जब इसका अपडेट आता है तो वहाँ देखने को मिल जाएगा कि रियल में इसका नाम प्लेबॉय है या कुछ और है। बट इसकी मैं आपको एबिलिटी बता देता हूँ, जो मेल कैरेक्टर है प्लेबॉय उसकी एबिलिटी होगी स्पीड। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि स्पीड का जो है ऑलरेडी कैली को दिया हुआ है एबिलिटी में, है ना, तो इसका भी स्पीड का है, बट मे बी इसका कुछ आई थिंक जैसे वो DC कॉमिक्स में आपने देखा होगा फ्लैश था एक, वो एकदम जाता था फ्लैश स्पीड में, तो उसके पास भी स्पीड वाली पावर थी, तो मे बी इसके पास भी स्पीड वाला ही कुछ होगा। बट अभी इसका कोई गेम प्ले या कोई प्रीव्यू मेरे पास आया नहीं है, अगर होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। बट अभी लीक्स के अकॉर्डिंग यही सुनने में आया है, देखने में आया कि यार जो प्लेबॉय है उसकी जो एबिलिटी है वो स्पीड होगी, ठीक है। और जो साइबॉग है, शायद साइबॉग की स्पीड है या प्लेबॉय की, दोनों में से किसी एक की है, मुझे कंफर्म नहीं हुआ अभी, बट ये मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है सो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है।
ओके अब नेक्स्ट अपडेट में आपको बता दूं कि फ्री फायर में न्यू कैरेक्टर सॉरी न्यू पेट आने वाला है। कैरेक्टर का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ तो न्यू पेट आने वाला है, वो आप देख सकते हो। तो गाइज ये न्यू पेट है, छोटा सा पपी आ रहा है, डॉग। पहले मैकेनिकल डॉग था, अब मैकेनिकल नहीं है, अब ये छोटा सा पपी आ रहा है। एंड ये इट्स लुक्स वेरी क्यूट, बहुत अच्छा दिख रहा है यार ये। और इंतज़ार है कि ये वाला पेट आए तो इसको भी लेंगे। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला पेट। मतलब पूरी अपडेट में एक वेपन जो है सब मशीन गन, वो मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। और ये पैट मुझे अच्छा लग रहा है। और कैरेक्टर के बारे में अभी कुछ बता नहीं सकता मैं, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। और जो इलाइट पास आ रहा है, होप सो, मतलब वो वाला इलाइट पास जो अब आने वाला है वो अच्छा होगा, बिकॉज उसमें कुछ जोकर से रिलेटेड ड्रेसेस आने वाली है। एनिमेटेड शायद नहीं होगी, बट एनिमेटेड नहीं है, लेकिन हाँ जोकर जैसा होगा कुछ, मतलब अच्छा ही होगा। वो तो जब अपने पास रिव्यू आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा उसका रिव्यू। तो मेरे को लगता है कि जो मतलब पिछले दो सीज़न से मेरे को इलाइट पास बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो मैंने लिए भी नहीं थे, बट आने वाला इलाइट पास जो है होप्सो अच्छा होगा और मैं परचेज़ करूंगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज़ आपने डीजे बॉय का बंडल तो देख ही लिया होगा, जिसका मैंने थाईलैंड के साथ डाला था, क्योंकि उसमें सबसे पहले आया था। और नॉर्मली ऐसा ही होता है, दूसरे सर्वर में पहले आ जाता सामान यार अपने पास बहुत लेट आता है। तो गाइज वहाँ पे डीजे क्वीन वाला बंडल भी वहाँ आ चुका है और हमारे सर्वर में अभी तक नहीं आया है, आने वाला है, बट कितने दिन में आएगा वो तो पता नहीं, 10-15 दिन बाद ही आएगा। तो उसका एक मेरे पास टीज़र है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डीजे क्वीन का टीज़र है। डीजे बॉय बंडल किस किस को अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये डीजे क्वीन का बंडल भी आ रहा है, तो दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगता है, डीजे क्वीन वाला या फिर वो क्रेजी डीजे वाला जो बंडल है, इन दोनों में से आपको कौन सा पसंद आ रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट इलाइट पास के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, मतलब मैं तो हूँ एक्साइटेड, क्योंकि मैंने पिछले दो सीज़न के जो है इलाइट पास मिस किया है और मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया। सो नेक्स्ट सीज़न के लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार सोच रहा हूँ नेक्स्ट सीज़न का इलाइट पास ले लूँ, क्योंकि कॉस्ट्यूम वगैरह भी अब जो है मेरे पास ऑलरेडी वो पहन पहन के बोर हो चुका हूँ मैं, तो कुछ खास नहीं है। तो गाइज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट लाइट पास का रिव्यू देखने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, सो मैं जल्दी उसका रिव्यू लेके आ सकूँ चैनल पे आप सबके लिए, आप सबके साथ शेयर करूँ, ठीक है। एंड गाइज काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स भाई लोग जो अपने चैनल के हैं, उन्होंने कहा था कि हमें एक Q&A स्टार्ट करना चाहिए, मतलब Q&A वीडियो अभी तक हमने एक भी नहीं डाली है, ठीक है। तो गाइज मैं कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट करूँगा Q&A के लिए, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हो, ठीक है, तो आप जो है कम्युनिटी टैब में जो मैं पोस्ट डालूँगा वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट में आपको सिंपली लिखना है #AskRB, ठीक है, ASK और RB, AskRB। तो आप अपना जो है वहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम टाइम रहेगा 2 दिन का, ठीक है, 2 दिन या 3 दिन का, 3 दिन तक आप जितने भी आपके क्वेश्चंस वगैरह आप वहाँ पे अपना कमेंट कर सकते हो। सो मैं कोशिश करूँगा सैटरडे या संडे तक Q&A वीडियो लेके आने की, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप सबके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका जो है मैं आंसर दे पाऊँ, ठीक है, आपको आंसर कर सकूँ। तो Q&A वीडियो के लिए मैंने काफ़ी सोचा और बात भी की थी कि चलो Q&A वीडियो लेके आते एक बार, तो क्या बोलती है पब्लिक, उनकी भी सुननी चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे उसका आंसर आप कर देना, सॉरी आप क्वेश्चन बताए ना उनका आंसर मैं कर दूंगा। एक्चुअली मैं सोया नहीं हूँ और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आज हो रही मिस्टेक। तो ठीक है गाइज, तो ये थी अभी तक की न्यू अपडेट्स की लीक्स मेरे पास और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और गेमर्स पॉकेट ऐप के बारे में आपको पता है, वहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा है, स्पेशल इवेंट चल रहा है, वहाँ पर 1+7 का गिव अवे है। तो गाइज ज्वाइन करो, खेलो, प्ले हार्ड, जितना अच्छा खेलोगे उतना ज़्यादा जीत सकते हो, ठीक है। और 1+7 जीतने का मौका मिलेगा, तो गाइज मैं यही बोलूँगा कि मिस मत करो। और अगर अभी तक आपने वो डाउनलोड नहीं किया ना गेमर्स पॉकेट ऐप, तो यार क्या कर रहे हो, मतलब डाउनलोड करो यार, इतनी बढ़िया एप्लीकेशन है अर्निंग के लिए, पेटीएम कैश जीतने के लिए, वहाँ पे खेलो, वहाँ पे किल करने पर किल के पैसे मिलते हैं, तो यार वहाँ पे खेलो, जीतो, जितना ज़्यादा जीत सकते हो जीतो, ठीक है। उसकी लिंक, डाउनलोडिंग की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में से उसको डाउनलोड करो, वहाँ पे मेरा रेफरल लिंक भी है, मेरा रेफरल लिंक डालोगे तो 10 रुपये मिलेंगे भाई तुम्हें, पहला मैच तुम फ्री में खेल पाओगे, ठीक है। तो गाइस फटाफट जाओ डाउनलोड करो, उधर साइनअप करो और मैचेस खेलो, वहाँ पे जीतो,
पैसे भी जीत सकते हो, और वन प्लस सेवन का गिव अवे चल रहा है, तो अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा तो वो भी जीत जाओगे। और पिछली बार जो मेरा गिव अवे चल रहा था मंथली मेंबरशिप और 2 वीकली मेंबरशिप का, तो उसके भी जो है विनर्स निकाल दिए थे और उनको उनका प्राइस दे दिया था, एंड मैं उसका कम्युनिटी टैब में पोस्ट डालना भूल गया था। अगर हो सकता है तो मैं टाइम निकाल के वो कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पे न्यू आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस मैं मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर लाइव स्ट्रीम में खेलना चाहते हो तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं इवनिंग या आफ्टरनून में लाइव स्ट्रीम करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है गाइस। तो लाइव स्ट्रीम के लिए पूरी कोशिश रहेगी और मेरे को इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं फिर लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।